हमारी प्रिपरेशन है कि आज जो है हम मृत लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो अगर हम आ जाए तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ऐसे तो हम आएंगे ही 100%, हम तो प्योर ब्राह्मण हैं, तो हम तो किसी से डरने वाला है नहीं, हमसे ब्राह्मण डरता है, हम क्यों किसी से डरेंगे। पर आएंगे साथ में, जरूर किसी को लेके आएंगे, जा रहे हैं अकेले बट आएंगे साथ में लेके। हमारे साथ हमारे सर रहेंगे, विक्रम सर रहेंगे, उसके बाद अनुज भाई रहेंगे, सुनील सर रहेंगे, और एक हमारा प्रिय मित्र गुड्डू है, गुड्डू नाम है ना, गुड्डू भोसड़ी वाला नाम है, गुड्डू भोसड़ी वाला भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भाई बेटा है चंदन सर, हमारे चंदन सर जाएंगे, सुनील जी जाएंगे, ए भोसड़ी वाला इधर गुड़वा जाएगा, अनुज जी जाएंगे, और साथ ही साथ और मेरी बात सुनो, मैं इन सबका ना गुरु हूँ, गुरु है, ठीक है, लेकिन ये सब मेरे को चूतिया बनाते हैं, तो इन सब की बात पे यकीन मत करना। और सबसे बड़ा ये जो है ना मेरे चाचा बाबू, सही बोला, भूखा बाबा है, मेरी माँ को इतना बड़ा वीडियो बना रहे हो, महा भोका बाबा है, दूसरा नंबर नहीं आप हो, क्या हो बाबा, हो मतलब फूकते कसम कसम कर देंगे बाबा। तो आज ऐसा भी आज जाएंगे दिल्ली कैंप, वहाँ पे सुने बहुत कब्रिस्तान वगैरह है, भूत वगैरह है, तो देखना सुनो साला मजाक कर रहा है, ये घर नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग पराठा पराठा वगैरह खाएंगे, दिस डेट करेंगे, मतलब रात काला करना है, बस यही है इंजॉयमेंट। और हमारे साथ कई सारे लोग हैं, मतलब कि हम पांच लोग जा रहे हैं, गुड्डू गुड्डू के बस इससे ज्यादा और कुछ ना कहना, कोई बात नहीं, मौसी अगर भूत है तो मौसा तेरा जिन है। तो फिर यार अब हम लोग चलते हैं, पहुंचते हैं, रास्ते में दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या होता है, फिर वहां पहुंच के दिखाएंगे क्या क्या होता है, दिस डेट जो भी होगा वो देखा जाएगा रास्ते में। थोड़ा वगैरह पानी वगैरह चाहिए, स्नैक्स वगैरह चाहिए, और जो लोगों के लिए जो चाहिए वो है पहले से, हम थोड़ा सन्यासी टाइप के आदमी है, दिया ही है नहीं, बाकी दिस डेट है ही सब, मतलब इसके पास जो है वो है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसजेंडर में है, मेल है ना फीमेल में है। चलिए फिलहाल चलते हैं, गाड़ी में बैठो भाई। हेलो भाई, मेरे पे तो वही है लटके लुटके वाला, तो तुम समझ नहीं पाओगे, हैंग कर जाएगा सिस्टम। हाँ, तो अंग्रेज का तो नहीं है जो हम ना समझेंगे, तो लगा लो ना चाचा इसको। ना बेटा कोई नहीं, आप बोल दिए ना बस, हो रहा ना की I'm gonna make you mine.
ले लो भूखा बाबा। कोल्ड ड्रिंक में बियर या दारू पिएगा थोड़ा माइक ये रहन दो ना, पानी पी लेना, दे भी ना मौसी। हां एक मौसी का आपका ये हाल है तेरी मां। लो चाचा को दूसरा भी दे दूंगा ताकि बिल्कुल, और तेरी मां यार कोल्ड ड्रिंक लेकर हो जाए, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पास भेज दो उसको और पकवा दूंगा। लिख के दे रहा हूँ जी, वीडियो आप ले रहे हैं सबका बोली का। अच्छी बात तोहर माई ऐसा हमारा माल कम नहीं है। लग रहा है फिर इसमें इन्फेक्शन हुआ है। तेरी कसम ये फंस गया, मतलब क्या कहते हैं ये फंस गया सीएम क्या भोसरी के। और बता जब ये सीएम का ये मैं फंस गया, इतना बड़ा कर दिया ना मैं फंस गया ये सीएम फंस गया, इसको लग रहा है कोई इन्फेक्शन है। मित्रों दोस्तों भाइयों और मित्रों आधे रास्ते तक आ चुके हैं, फिलहाल पहुंचना है, फिलहाल रास्ते में पूरा मस्ती चल रहा है। अब देख के वहां पे अभी टाइम कितना हो रहा है, ऐसे 11 बज गया है, 11 बजे हम लोग वहां पे साढ़े 11 12 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि मेन टाइम भी वही होता है 11 12 बजे का ही, तो अच्छे समय पे पहुंचेंगे। फिलहाल पानी वगैरह आ गया है, चिप्स वगैरह आ गया है और साथ में ये भी है और सब कुछ ठीक है, ओके है। सर भी है हमारे साथ पूरा एकदम भौकाल में एकदम, देखिए भूखा बाबा को ही दिखा दो, मोसी यहाँ तो शांत है ना। अच्छा बात बोल रहे तो साला उसमें भी तो ये सुनना चाहता है, सब बढ़िया है ओके है। मैं सुनाना ना चाहता हूँ लेकिन देख लीजिए आपका ये ना सुनना चाहता है। भूखा बोले ठीक बात नहीं, महा भूखा बोलना चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं, अब देखते हैं आगे पहुँच के क्या होता है, जैसा होगा मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल लोग सब मस्ती कर रहे हैं, चल के होगा क्या, बहुत थोड़ा उत्पटांग बातें चल रही है यहाँ पे। सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था रास्ते में, हम लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब पुलिस वाला पकड़ लिया तो अब जानते ही हो पुलिस वाले, दो पुलिस वाले थे और ये गाड़ी चला रहा था। अब ये गाड़ी तो चला रहा था और ये साला पी रखा है, थोड़ा सा ही पी रखा है लेकिन पी रखा है, और कोई नहीं पी रखा है तो मैं तो ऐसे भी नहीं पीता हूँ। तो वो रोका और बोला भाई इसका चेस्ट होगा, तब तक मैं स्टीयरिंग पे आ गया, मैं खुद ही चलाने लगा। मेरे को लग गया था वो ऐसे ही नौटंकी करेगा। दो पुलिस वाले थे तो उसमें से एक ने कहा कि भाई आओ मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ। मैंने कहा एक काम करो यार तुम ही आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वो आके बैठ गया, मैं गाड़ी चला रहा था और बाकी भाई सब पीछे चले गए। अब वो हम लोग का मीटर नाप रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि भाई अब तो कलेश होगा, ये होगा दिस दैट, गाड़ी के पेपर सब तो ओके ही हैं, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ओके था। अब वो डराने की कोशिश कर रहा था और डरता तो मैं समझ ही रहे हो, डरता जीवन में मैं आज तक एक ही व्यक्ति से हूँ। और वो किया उसने हमारे सर को बोल रहा है कि ये भी पी रखे हैं भाई। इन्होंने तो सीधा कह दिया साला हम फूक नहीं मारेंगे, हमारा ब्लड टेस्ट करो। आज तक जीवन में कभी नहीं चूहे, उसके बाद तो गुस्सा ही हो गया पुलिस वाले पे, कहते हैं भाई दिल्ली बेच देंगे, मर जाएंगे हम, मार देंगे किसी को। पुलिस वाला टेंशन में आ गया, देख रहा क्या, पलट के देख रहा भाई क्या हो गया तुमको। सर तो कमाल ही कर दिए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है बताओ और क्या। तो वो आया मेरे साथ कुछ समय तक, उसके बाद वो खुद ही कहता है 2 किलोमीटर तक मेरे साथ घूमा,
प्लीज डैड खूब पढ़ाया अपना पट्टी, लेकिन वही बात है मैं तो पहले ही बोला डरता तो किसी से नहीं हूँ। इसकी फटी हुई थी ये साला गांडू, इसकी भैया विक्रम भैया आप ही गाड़ी चलाई है, ठीक है ला साला मैं ही चलाया गाड़ी। फिर वो थोड़ी देर के बाद खुद ही कहता है कि भाई अब मेरे को उतार दो मैं जाता हूँ, आगे से ध्यान रखना तुम्हारे फायदे के लिए। मैंने कहा कोई पी नहीं रखा है, और गाड़ी में बॉटल थी ऐसे वाइन की बॉटल है, लेकिन वो सील पैक है, किसी ने पी नहीं है, वो ऐसे ही है फ्रेंड सर्कल के लिए, मैंने बॉटल तो रखी है। मैंने उसे बोला अभी देख भाई बॉटल ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी ने नहीं पिया। वो समझ गया भाई ये सब हाथ लगने वाला नहीं है, दिस मार खाना। फिर मुझे कुछ संविधान के बारे में समझा रहा था, मैंने कहा मास्टर को संविधान के बारे में। मैंने कहा देखो सर ऐसा है, पीसीए से मैं एक शिक्षक हूँ और यूट्यूब तो ये तो अपने शौक मौज के लिए करता हूँ, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। वो समझ गया कि भाई ये सब हाथ नहीं लगेगा, तो फिर वो उतर गया छोड़ दिया, अब वो कहीं और लेके चला गया था। तो अच्छा ये भी नहीं लगता, रिस्पेक्ट है वर्दी की रिस्पेक्ट है, तो उसके साथ अब अच्छा नहीं लगता था कि कुछ मुंह कान लगा लो या फिर लड़ाई झगड़ा करो, वो एक सही चीज नहीं है। कानून के हिसाब से जो उसका था उसने किया, फिर उसे वो खुद ही उतर गया, वो समझ गया कि भाई गलत नहीं है बंदा। फिर मैं कहीं थोड़ा दूर अलग लेके चला गया था, फिर मैं वापस आया हूँ। अब मैं लगभग लगभग पहुंचने वाला हूँ जहाँ मुझे आना था, वो दिल्ली कैंट का हॉरर प्लेस, और आप मेरे साथ देख ही रहे हो कि भौकाल भौकाल आदमी सब बिल्कुल। और एक कहानी बताता हूँ क्या हुआ, अनुज भाई को ना वो लपेटे में ले रखा था, वो बार बार ना अनुज भाई को ही देख रहा था, ये बंदा पिया हुआ लग रहा है, ये बंदा पिया हुआ। लास्ट मुझे गुस्सा हो गया, अरे नहीं पिया हूँ भाई, फूक मरवा के देखो मेरा, फूक मारने वाला मशीन है तेरे पास, हाँ है तो मारो फूक मरवाऊ मेरे को, ये गुस्सा हो गया। सुनील जी सब सब ठीक था, फटी हुई बस इसकी थी, फटवा था उसी को किया। सब ठीक है, चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला पुलिस वालों का भी, हालांकि मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुलिस वाला खराब नहीं था, वो चाहता तो हमारे टाइम को खराब कर सकता था, वो हमको थाने ले जाता, दिस डेट करता, बैठा के रखता, फिर छोड़ देता, तो टाइम किलिंग होती, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, वो बोला कि ठीक है आप जाइए। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, फिर आगे बताते हैं आगे क्या क्या होता है। पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट वही लोकेशन पे जहां हमें आना था। ये बिल्कुल ही डरावना प्लेस है, और देखिए सामने लिखा हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूं, आइए कैमरा में। सामने आपको पता चल रहा होगा ये शमशान भूमि है, तो आपको ये बात पता है कि शमशान भूमि है, इसका मतलब है कि ये हॉरर प्लेस होगा। जस्ट आपके सामने में लिखा हुआ है शमशान भूमि है, यहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, हालांकि बगल में कब्रिस्तान भी है। तो अब मेरे पीछे देखिए पूरा सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा, कोई नहीं है इधर, और इधर भी हम लोग जो आए हैं ना वही लोग हैं, चंदन सर हैं, अनुज भाई हैं, और गुड्डू है, और बाकी सुनील जी तो अपना कैमरे के साथ ही हैं। तो ये बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। अब डर तो मुझे लगता नहीं है, डर भूतों का नहीं है, डर यहाँ पे कुत्तों का है। कुछ खतरनाक कुत्ते मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे वो मुझे जिंदा चबाने की कोशिश करेंगे। ये हवा है। और इधर अनुज भाई को देखिए, अनुज भाई उधर भूत को खोज रहे हैं। अनुज भाई को देखिए, अनुज भाई ऐसा है कि हम फिलहाल आपको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल हम वही सुनसान सड़क पे हैं जहाँ पे हमें आना था, और गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल सड़क खाली है, आप बिल्कुल देख लीजिए सड़क खाली है, सड़क बिल्कुल आपको खाली दिखाई देगा, और मैं गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो चला रहा हूँ। और यही वो सड़क है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हंटेड है, यही सड़क है जो हंटेड है, और गाड़ी का मैंने सारा शीशा वगैरह लगा लिया है। देखिए कैसे सुनसान सड़क है, इसमें कुछ नहीं है, आप जैसा कि देख रहे हो कुछ नहीं है सड़क पे। मैं फिलहाल उसी सड़क पे हूँ जो सबसे हॉरर है, और ये आप सड़क का हालत देखो, ये बिल्कुल सड़क खाली है, मतलब ना आपको इधर कुछ मिलेगा, मेरी गाड़ी ही है बस, और जो लोग हम आए हैं वही लोग हैं, और बाकी आपको इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल खाली है। और ये जो है बगल में मेरे, जो ये बगल में आपको दिख रहा है ना, ये शमशान भूमि है, और एक तरफ कब्रिस्तान है, मतलब लोग ऐसे भी इधर आने की कोशिश नहीं करते हैं खासकर। ये थोड़ा ऐसा फील है हमारे हिंदू धर्म में, तो खास करके हम ऐसे जगहों पे जाते नहीं है जहाँ से ये शमशान हो या फिर ऐसी कुछ हो। कुछ नहीं है, आपको अब भूत नहीं है, मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं है, और ये गाड़ी में
चंदन सर हैं और गुड्डू गाड़ी चला रहा है और हम सुनील जी के साथ बाहर हैं। सुनील जी कह रहे हैं कि जहाँ सर रहेंगे वहीं हम रहेंगे, हम इनको छोड़ के नहीं रहेंगे। तो हम बाहर आ चुके हैं और ये बिल्कुल 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सड़क है और मैं अब इसी सड़कों के माध्यम से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। मैं अब गाड़ी के बाहर ही रहूंगा। यही वो सड़क है जो दिल्ली का सबसे हॉन्टेड प्लेस है और अनुज भाई जो है वो अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। देख लीजिए वो अपने कैमरा का लाइट जला जला के कब्रिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कब्रिस्तान में वो खोज कर रहे हैं। तो आगे है तो डरावना यार, चारों तरफ जंगल ही जंगल। अब अंदर में क्या है क्या नहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और ये देखिए यहाँ पे सुनील जी, अब देखना है कि यहाँ पे कुछ दिखता है। हालांकि ये सड़क लंबा है, सड़क लंबा है तो अब इस पे देखो कोई आता जाता भी नहीं है, सड़क पे बिल्कुल ही खाली है। बिल्कुल सड़क है खाली, कोई नहीं है इस सड़क पे। चल टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं अभी, समय पूरा 1 बज गया है। और 1 बजे तो चलो देखो हमारे धर्म के हिसाब से तो हम यही जानते हैं कि 12 बजे के बाद ये सिस्टम शुरू हो जाता है भूतों वाला। सड़क है वापस, मैं रिवर्स में जा रहा हूँ। ये देखिए पूरा तरफ जंगल ही जंगल है, आपको जंगल में दिखाई दे रहा हूँ। ये यही जंगल है, यही सब शमशान है दोनों तरफ वही बात है। सड़कों को देख लीजिए बिल्कुल सुनसान सड़क है, कोई आना जाना नहीं है इस पे। ये देख लीजिए जंगल किस तरह का है, क्या देखना पड़ रहा है, क्या बात है क्या बात है। सड़क तो साफ है लेकिन वही बात है कोई आने जाने वाला नहीं है। यहाँ रास्ता दिखता हो खोपचा में घुसा और तब तो भूत से मिलवाबो है। वो अंधेरा वाला गली में मुड़ेगा ना, अभी तब लाइट चलाएंगे हम, अभी तो रोशनी नहीं है। ये हम लोग स्टैंड कर रहे हैं अभी। बस अंदर ना लेना, पैदल जाना है। हाँ, साइड में लगा हमें इसमें जाना है। अब इस सड़क का तो हमने कर लिया, अब हम एक ऐसे गली में जा रहे हैं जो सड़क है ना मेन, इसका तो हम लोगों ने उसको लग रही है गाड़ी। हम लोगों ने सड़क के बारे में कर लिया, कुछ नहीं मिला सड़क पे, हमें कुछ नहीं मिला ऐसा कुछ। आवाज किस चीज की आवाज है आई डोंट नो। आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं एक ऐसे गली में जा रहा हूँ, एक ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ जो मतलब ये अंधेरा है बिल्कुल। आप सड़क देख रहे होगे बिल्कुल अंधेरा है, आपको दिख नहीं होगा क्योंकि इतना अंधेरा है। अब हम इसी के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। रात के 1:30-2 बज गए हैं और 1:30-2 बजने के कारण और बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा टाइप का है। कहीं दूर से आवाज आ रहा है बस ट्रेन व्रेन की, और कुछ नहीं है इसमें। हम लोग चलते हैं एक ऐसे गली में, आइए हम लोग गली में लेकर चलते हैं। कपड़े वपड़ों को छोड़ दिया जाता है तो वही कुछ कपड़े हैं जो शमशान में छोड़ दिया गया। अब मैं आपको ये देखिए बिल्कुल ही सन्नाटा ही सन्नाटा है, आप कैमरा में देख सकते हैं बिल्कुल ही सन्नाटा है। हमारे संस्कृति हमारे धर्म में जो है वो बातें हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको भूत में विश्वास रखना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर भगवान है तो है रियलिटी है, ये चीज है। करेंगे और एक चीज, और यदि 12 बजने के बाद आप दिल से बुलाओगे ना ये चीज तो वो भी सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बुलाओ और देखो जरूर मिलेंगे आपको। और ये रहे हमारे मेन
मेजर साहब, ठीक है, मेजर साहब है हमारे कैंट के, तो ये हमें आगे का रास्ता बताएंगे। कैमरामैन जल्दी जल्दी चलिए आगे, कैमरामैन फोकस करो, पीछे से हम लाइट दिखा रहे हैं। हर एक जगह बीच में सिर्फ लाइट दिखाओ ना। मैं अब हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब अनफीलिंग वाली चीजें हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं और बिल्कुल शांति वाला एरिया है और बिल्कुल हमसे ही फेमस है, हॉन्टेड प्लेस है। तो भाई थोड़ा सा तो है मन में कि हाँ हॉन्टेड है। अब मैं थोड़ा सा ना अंदर की तरफ जाता हूँ, आप मेरे साथ अंदर आइए, लाइट मैन और कैमरा मैन साथ में आइए, एक बार देखते हैं अंदर में क्या है। आइए आइए, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, कुछ लकड़ियां वगैरह भी आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसे मूर्तों को जलाया गया है। आइए मैं थोड़ा सा और अंदर आता हूँ, थोड़ा सा और अंदर आइए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। डरावना टाइप का तो लग ही रहा है, और डरावना होने के कारण थोड़ा सा मन में भय होना तो अपने मतलब मानव का नेचर है, तो होगा ही यार। वो दोनों कहाँ रहे गड्ढे पर, गड्ढा खोदा गया है। अब ये गड्ढा किस पर्पज से खोदा गया है ये तो पता नहीं, लेकिन गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे में भी मतलब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे कुछ आपको क्या ये हड्डी वगैरह है, क्या हड्डी वगैरह है, लाश वाश जलाया गया है, वो है यही सब सारी चीज। चलिए हम इस क्षेत्र से वापस निकलते हैं क्योंकि बहुत अंदर तक आ गए हैं जंगल में, और अंदर जंगल ही जंगल है, तो कितना दूर तक जाएंगे वो सिर्फ जंगल ही दिखाई देगा। अभी हम बाहर आते हैं, गड्ढा वगैरह है जरा संभाल से गड्ढे में, देखिए आपको अंदर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देगी, वहाँ गड्ढे में व्हाइट व्हाइट कलर की जो हड्डियां हैं ये सब हड्डियां हैं जो शायद जलाने के बाद बच गया, उसे फेंक दिया गया है ये हड्डियों सबको। हम अपने कैमरा मैन से बोलेंगे थोड़ा सा जूम करके आपको बताने के लिए। ये देखिए यहाँ सब जो हड्डियां ये देखिए, ये हड्डियां हैं मानव का खोपड़ी है, ये सारी चीजें हैं जो मतलब होना चाहिए यहाँ, मतलब ये कोई चीजें बहुत अंतुका सा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें होने की संभावना यहाँ पे बनती है। लग रहा है इन दोनों को दिख गया, ये सुनसान सड़क ये सुनसान सड़क है, और एक्सप्लोर जो था वो तो काफी एकदम से सन से कुछ ये है जो कि मानना पड़ेगा। कैमरा को देखिए, ये आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, ये इंसान का खोपड़ी है, ये इंसानी खोपड़ी बच्चे का खोपड़ी है जो यहाँ पे सर मर चुका है, ये हड्डियाँ वगैरह हैं और ये कपड़े वगैरह हैं।
सर सर खोपड़ी है, खोपड़ी है, टच नहीं करूंगा और इधर की तरफ आता हूं। कैमरा में क्या रिकॉर्डिंग करेगा, मन फटा होगा। और हड्डियां हैं, खोपड़ी है, टांगे हैं इंसानों के, फेफड़े दिखे हैं मुझे, कपड़े दिखे हैं उनके, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी है। और हाल फिलहाल में सर बताए हैं कि कोई ऐसा उनको उनके बगल से बहुत तेजी से निकला। तो थोड़ी सी अब देखो, आपको पता है कि चंदन सर आपको मतलब वही बात बताएंगे जो जेन्युइन सी बात होगी, कोई मतलब मिला हुआ कोई मिक्सचर मसाला कहते हैं ना, वो नहीं बताते हैं। ठीक है, हवा यहाँ की बहुत ठंडी है, एकमात्र कारण ये है कि कुछ ऐसी है चीज़ें जो आपके वातावरण को ठंडा करता है। अगर कुछ आपको यहाँ पे मौसम ऐसे आपको ठंडा फील हो रहा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि जब भी आप शमशान वगैरह के एरिया में जाओगे ना तो आपको वहाँ का वातावरण ठंडा मिलेगा, या फिर आत्माएँ जो होती है या फिर जो भूत वगैरह होते हैं वो आपको छूते ही ना आपको ठंडा ठंडा का फील होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से निकलना भी जरूरी है, जैसा भी है। चलिए, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अनुज भाई आप आइए लाइट लेके और कैमरा को लेके चलिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है और कई सारे लोग हैं। तो यहाँ पे अब मैं वापस चल रहा हूँ, जंगल से बाहर निकल रहा हूँ। ये ऐसे तो बिल्कुल अंधेरा है, मैं आपको लाइट अपने हाथ में लेता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताऊंगा। ये लाइट मेरे एक बार एक काम का है सर, ये देखिए ये सब जंगल ही है। आपको मैं एक बार पूरा ये बाहर बाहर से, मैं तो अंदर गया था, आपको अंदर में दिखाया भी हूँ, इसमें कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपसे एक सजेशन भी यही दूंगा कि कभी भी आप अकेले मत आइए इन सब जगहों पर। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं सर के साथ हूँ, चंदन सर हैं हमारे, चंदन सर के साथ आया हूँ। इसके बाद सुनील जी हैं यहाँ पे, गुड्डू है यहाँ पे, अनुज भाई हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे 4-5 लोग हैं, हम लोग इन सब के साथ आए हैं। नहीं तो उधर गेट बंद है ना, गेट बंद है। तो ये आप देखिए बिल्कुल जंगल ही जंगल है। ये देखिए, ये सब मेरे लाइट के कारण आपको दिख रहा है, अगर मैं लाइट हटा दूं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। यहाँ से गाड़ी भी बहुत तेज गई, और यहाँ से जो भी गाड़ी आ रही है ना वो गाड़ी कोई रुक नहीं रहा है, एक गाड़ी जो भी गाड़ी आ रही है रुक नहीं रहा है, बिल्कुल तेजी से गाड़ी निकल जा रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं है। और सुनसान सड़क है बिल्कुल, जो हैं हम ही लोग हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना है भाई। ये भी थोड़ा सा फेमस है यहाँ के लिए, इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ एक बार। ये देखो बनाया गया अंदर में पार्क टाइप का, यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ रहा है मैं गौर कर रहा हूँ बहुत तेजी से निकल रही है। देखिए इस प्रकार से पार्क को बनाया गया, सिमेट्री का एक प्लेस है। ये देखिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए मैं बाहर से ही खड़ा होकर अब वीडियो एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। आराम से लेकिन यार भूत देखने का मेरा भी मन था, लेकिन आज हम दोनों ने देखा। हम लोग घूम के तो आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर घुमा देता हूँ। और देखा बहुत कुछ, देखा फील भी हुआ थोड़ा सा, क्योंकि अंदर की जो चीजें थी ना, खासकर वो हड्डियाँ सर, वो देख के थोड़ा सा फील हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, भूख लगी है तो थोड़ा सा खाना खाएंगे। सर ऐसे कैसे रास्ता लगाएंगे, कोई
कौन सा कोई होटल लगाओ ना बढ़िया। देखिए ना ढाबा वाले लिखिए ना कहीं नीचे नियर दिखाई देगा, रास्ता भी जाता है वहाँ के लिए, वो हॉरर जो रास्ता है शमशान घाट के लिए। इतना सुना था कि सा... गाय वाला है।